मणिपुर जहां पर ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। ड्रोन हमलों के विरोध में स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला। ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। इंफाल में राजभवन पर पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। मणिपुर जहां पर शांति अभी भी है नहीं, लगातार मणिपुर से रह रहकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा बलों पर भी ये पत्थरबाजी की गई है। मणिपुर हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो गई है। 3 मई 2023 से आरक्षण पर यह हिंसा जारी है और ये हिंसा अभी तक रुकी नहीं, थमी नहीं। कुकी और मैती समुदाय के बीच में ये टकराव चल रहा है और फिर टकराव के बीच हिंसा की अलग अलग तस्वीरें और दिल दहलाने वाली खबरें भी सामने आई हैं। 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं क्योंकि मजबूरी है यहाँ से पलायन करना, क्योंकि हालात सामान्य हो नहीं रहे। कल राजभवन पर पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। राजभवन पर पत्थरबाजी की गई थी। 3 मई 2023 से ही आरक्षण को लेकर ये जो जंग है ये जारी है। कुकी और मैती समुदाय के बीच में बताया जाता है कि ये टकराव है और इसी बीच हिंसा की अलग अलग घटनाएं। ऐसे में मणिपुर में ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन हुआ। ड्रोन हमलों के विरोध में स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला। ड्रोन हमले में ही 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक 226 लोग जान गंवा चुके हैं। सुरक्षा बलों पर भी कल पत्थरबाजी हुई, जब राजभवन पर पत्थरबाजी करने के लिए वहां लोग मौजूद थे। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं जिनके जरिए विरोध किया जा रहा था। मणिपुर में जो हालात हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर कोई इन हालात को सामान्य कराने की मांग कर रहा है। मणिपुर जो कि रह रहकर सुलग रहा है, जल रहा है, हिंसा की अग्नि जो अभी भी शांत नहीं हुई है। अब मई 2023 से जो हिंसा भड़की वो पूरी तरह से कभी भी शांत हो नहीं पाई और अभी भी मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं। अब तक इस हिंसा में 226 लोगों की जान जा चुकी है। ये 226 वो लोग हैं जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, हो सकता है रियल में आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो।